की एक ऐसी अदाकारा रही हैं जिनका हर कोई फैन है। शायद ही कोई ऐसा हो जो उनकी खूबसूरती, बेजोड़ एक्टिंग और तीखे नए नक्श का दीवाना ना हो। धक धक गर्ल के नाम से मशहूर माधुरी दीक्षित 90 के दशक में बॉलीवुड की टॉप हीरोइन रहीं। उनकी पॉपुलैरिटी शायद ही आज की कोई हीरोइन मैच कर पाए। ये उनकी पॉपुलैरिटी का ही कमाल था कि फिल्म हम आपके हैं कौन के लिए उन्हें सलमान खान से भी ज्यादा फीस दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माधुरी को इस राजश्री प्रोडक्शंस की इस फिल्म के लिए तकरीबन 2.75 करोड़ बतौर फीस मिली, जो उस दौर में किसी भी हीरोइन को मिलने वाली सबसे ज्यादा फीस थी। उस वक्त माधुरी के अलावा किसी और को इतनी फीस मिली भी नहीं। उस हिसाब से माधुरी 90 के दशक की सबसे ज्यादा फीस पाने वाली हीरोइन रही। दिनों दिन माधुरी की लोकप्रियता बढ़ रही थी और इसी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए निर्माता निर्देशक उन्हें फिल्म में लेने के लिए टकटकी लगाए रहते। एक निर्देशक को तो माधुरी ने सालों तक इंतजार कराया। माधुरी के पास उस निर्देशक की फिल्म में काम करने के लिए डेट्स नहीं थी, लेकिन वो निर्देशक था कि उन्हीं के साथ काम करना चाहता था। बस इसी इंतजार में सालों बीत गए। 90 के दशक में माधुरी एक के बाद एक कई हिट फिल्में दे रही थीं। उन्होंने साजन, बेटा, खलनायक, हम आपके हैं कौन, राजा, दिल तो पागल है, लजा और देवदास जैसी